भैया आज हम लोग सेशन कर रहे हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल तो आप लोगों के सवालों के जवाब देने वाली हो मैं ना चीज क्योंकि आप लोग जब भी मिलते हो मेरी स्किन के बारे में पूछते हो माशाल्लाह माशाल्लाह आप पूछते हो कि कौन सा फाउंडेशन या क्या लगाती है तो आज मैं आपको बिल्कुल नेचुरल कैमरे से अपनी स्किन दिखा रही हूँ मेरी स्किन पर भी उछाइया हैं मेरी स्किन पे भी मसले मसाइल हैं ठीक है ठीके? जी सो सारी स्किन पर होते हैं और मैं फिल्टर ज्यादातर इस्तेमाल करती हूँ आप लोग जानते हो उसमें कोई बुराई नहीं है अगर फिल्टर और ये खूबसूरत बनाने वाली चीजें बनी हमारी जैसे लोगों के लिए कि भैया जिसको पसंद हो इस्तेमाल करे जिसको नहीं पसंद ना इस्तेमाल करे बहरहाल हमारे पूरे फेस पे ग्लो आनी चाहिए हमें कोई ग्लोइंग इफेक्ट के लिए कुछ बता दें जो पूरे फेस पे ग्लो आए ऐसा नहीं है कि बस यहाँ यहाँ आए शिमर लगा दिया पूरे फेस पे ग्लो आए आपने लेना है जी लिक्विड शाइनर किसी भी ब्रांड का ले लो किसी भी ब्रांड का मेरे पास है ये टू फेस्ड इसके ब्रांड का नाम है इट्स अ अम्पोर्टेड ब्रांड और आई डोंट नो ही मैंने कहाँ से ली थी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है ये तो ये आपको इस तरह का मिलता है भैया ये देख रहे हो आप लोग गौर से देख लो ये इस तरह का आपको मिलेगा ठीक है ये पम्प स्टाइल ऐसे ही दिया हुआ है ड्रॉपर स्टाइल में आपने क्या करना है आपने लेना है ये शाइनर ठीक है और मेकअप करने से पहले आपने ना पूरे फेस पे अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद अच्छे से लगाने के बाद आपने अपने फेस पे फाउंडेशन या फिर जो भी पूरा मेकअप कर रहे हो ना वो इसको लगाने के बाद करना है जब आप इसको लगाने के बाद पूरा मेकअप करोगे ना तो पूरी स्किन ऐसी लाइटों वाली लश्कारेदार हो जाएगी ना कि सब बोलेंगे वाओ क्या ग्लो कर रही है आपकी स्किन एक सीक्रेट बता रही हूँ गाइस कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ ये इस्तेमाल करते हैं इसके बाद हल्का सा कोई भी क्रीम लगा लेते हैं हल्का सा टिंट लगा लेते हैं तो ऐसा लगता है कि भैया नेचुरली स्किन खूबसूरत है तो वो ऐसी लश्कारेदार वाली जो स्किन है ना वो होती होगी किसी की लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा लाइट है ना इसके बिना लगती नहीं है तो आपने ये करना है तो ये बड़ी जबरदस्त टिप मैंने आपको बता दी इसी के साथ अल्लाह हाफिज